मत है तो बाप के पास कौन जाती है? यहाँ पर बाप मनुष्य को पाप किया होता उसको कहते हैं और अंत मत है तो बाप के पास कौन जाती है? या बाप किसकी मीनिंग करते हैं? या बाप बाप जो मनुष्य को जो है परम परमात्मा उसको उसको पास पूछ जाना कि बाप किसको बाप किनके लिए है? किनके लिए उनके पास मनुष्य को जब बाप कहा तो स्टेज की बात है कि नॉन स्टेज की बात है? स्टेज उनके के उनकी 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में किसकी कही जाती है? जो उनकी स्टेज धारण करता है तो नारायण कहा जाता है। ये कहा सबसे सहज याद है नारायण को याद करना, ये क्यों नहीं कहा बिंदु को याद करना? उसके पास पहुंचना है। पहले तो साकार शक्ति में रहते हुए ही साकार शरीर धारण करते हुए भी नारायण की तरह सुख स्वरूप बनना है और सुख में शांति समाई हुई है। इसी शरीर से इसी दुनिया में गति और सदगति का अनुभव करना है। कोई कहे यहाँ नहीं करेंगे, सतयुग के पहले जन्म में करेंगे तो ग्रेड घट जाएगा या नर नारायण की तरह बना रहेगा? घट जाएगा। तो भगवान तो साबित हो जाता है यहाँ पर, तो भगवान तो एक ही हो जाता उस समय काका दुनिया में है। भगवान तो साबित हो जाता यहाँ पर जब नारायण के पास पहुँच जाते हैं तो ईश्वर नाम के सारा दुनिया में फैल जाते हैं एक नाम से। यथा राजा तथा प्रजा वो पहले ही जन्म में होती है और अगले जन्म में यथा राजा तथा प्रजा नहीं होती, वहां भी दास दासी बन जा रही। जिसको नाम कहा जाता है उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी कहा जाता है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, परंतु पिछले महीने के इच्छा के पिछले महीने के होली के दिन में जो अध्यक्ष वाली निकल रहा है वहाँ एक ऐसा लिखा है अभिषेक का सौदा काम नहीं है। अभिषेक का सौदा काम नहीं है क्या? अभिषेक का सौदा काम नहीं है, अभिषेक का सौदा काम नहीं है। इससे प्रस्थापित हुआ है ब्रह्मा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर और उसका सौदा काम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर उसका सौदा कम नहीं है, ठीक है। तो मुझे बस ये पूछना जानना चाहता हूँ, पहले बोला है गुरुविंद ने प्रदापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, हाँ जी, लेकिन अभी जो निकला हुआ है होली का दिन में उसको वहाँ कह रहा है ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मा कितने हैं आप बोलिए, ब्रह्मा कितने हैं? पांच है, पांच है, पांचों ही ब्रह्मा है, लेकिन उनमें एक है प्रजापिता ब्रह्मा। वो ब्रह्मा है या नहीं है? बात खत्म है। ब्रह्मा लिखा है तो हमें आपकी बुद्धि दूसरे नंबर वाले पे क्यों जाती है ज्यादा? पहले नंबर वाले पे बुद्धि क्यों नहीं जा रही?
कोई की बुद्धि तीसरे नंबर वाले ब्रह्मा में जाएगी, कोई की बुद्धि चौथे नंबर वाले ब्रह्मा में जाएगी, कोई की बुद्धि पांचवे वाले में ज्यादा जाएगी, ऐसा क्यों है? जनो भाई साहब किताब तो नहीं है, आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी कहेंगे कोई जरूरी नहीं है। बाबा ने बोल दिया एक बार, चिंतन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। अच्छा बाबा, थोड़ा गीता प्रसारण में हमको मुश्किल हो रहा है, ये पूछेंगे या पूछेंगे ना अलग से? क्या प्रश्न? गीता प्रसारण में थोड़ा गलत हो रहा है, तो कोई माता के साथ गीता प्रसारण का कोई हालचाल हुई तो चिंता में बोले गए, तो चिंता के बोलने के बाद आपकी राय से वो गीता पाठशाला बंद करने का लिए बोल दिया, तो हमको सांझे ने सेंटर में बुलाया था, तो बोलने के बाद हम कई माता आई थी, तो हमारे सामने किसी माता के सामने और अपराजिता बहन ने बोला कि गीता पाठशाला बंद हो गया, तो आपका राय में आप क्या करना है? तो हम बात क्लियर करो, आप सभा में पूछी है तो बात को क्लियर करो। ये माता आप बोलिए, आपका क्या हुआ है? आप बोलिए तो पहले उन माता उनके उठा रहे हैं। वो माता ने उसका घर में जो लेता है तो उसका माँ बनने वाली है, उसका माँ बहू का लड़के को बाहर कर दो घर से। लेकिन एक ही काम है, साथ है नहीं बोल रही, वो बोला है फादर फादर फालो मदर फालो ब्रह्मा बाप। तो ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने सत्संग चलाया घर में, तो क्या किया उसके साथ, बच्चे के साथ? दो बच्चे थे, क्या किया उनके साथ? निकाल दिया, उनको अलग कर दिया। तुम्हारा कोई राय नहीं हमारे साथ रहने का, ये प्रश्न हो रहा है क्योंकि जो गीता पाठशाला में ऐसे हो रहा है, तो उसे समय हम अपराजिता बहन के सामने का हम लोग सब मिल के बोले थे कि ये ठीक है कि नहीं है, तो उसके समय आपके पूछे थे, तो उसके बाद बोले थे उसका अलग करने के लिए, लेकिन अपराजिता बहन ने कभी बोला नहीं है माता को, तो बोले नहीं, लेकिन फिर उसका जो 8 महीना हो गया 9 महीना होगा उसका जो लौकिक क्रियाकर्म है, तो उसमें 2-3 माता को बोले थे खाने के लिए, तो बोला ये बाबा का टली है, और वो बोला नहीं बाबा का टली नहीं है, देवी का माता ने तो खाया ही नहीं है, वो बहाना करके चले गई, तो उसके बाद दोबारा बार हमारे सामने आके बोला थे ऐसे ऐसे हुआ आप खाएगी, हमको तो जाना ही नहीं है, हमको जान में पहचान ही नहीं है, तो एक माता बोला जो सब माता टली खाएगी तो हम सब खाएंगे, तो ये खाए नहीं तो इसीलिए उसका साथ हमला हुई, तो वो हमारा साथ उधर गए, तो हम बोला सेंटर को पास करो, तो सेंटर में आए तो आपके साथ बात हुई, तो बोला जहाँ गोभी चौथा का सवाल ही नहीं है वो गीता पाठशाला का है, तो ये बोल के आप छोड़ दिए, तो हमको तीसरे दिन हमको बुलाए थे सेंटर पे, तो हम आए तो हमको सामने जो ये बात पूछे, तो हम बोले जब बाबा जहाँ राय दे दिया तो राय को तो मानना ही चाहिए, तो इसलिए हम गीता पाठशाला में नहीं गई, कोई कोई माता लोग क्योंकि बाप बोला है तो गीता पाठशाला बंद, तो हम नहीं कैसे जा जाए, लेकिन कोई कोई माता ने पूछे कि जो बाबा जी बोला ये प्रूफ कहाँ है, जो बाबा जी बोला जो जहाँ पवित्रता का सवाल ही नहीं है तो ये गीता पाठशाला का है, तो अपराजिता बहन के साथ हम सुने हैं लेकिन इसका प्रूफ मुरली में प्रूफ है, मुरली ही तो बता रही है कि ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को अलग कर दिया, लेकिन बाबा एक पैसा भी नहीं दिया। हम तो बाप के साथ बातचीत करने के लिए मीडिया सेंटर के जो इंचार्ज रहते वही रहना चाहिए, तो उसका वो गलती करे कि सुधारे, हमको ये देखना नहीं चाहिए, उसका बात को हम ये उठाया रहा कि ये गीता पाठशाला में हमको नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई कोई माता ने उससे पूछने लगा कि ये आपका फॉलोअर बन गया, क्योंकि हम दुनिया तो दुनिया की तरह बोलेगी, बातें तो ढेर सारी बोलेंगे, लेकिन ये आपकी गीता पाठशाला है कि नहीं है, ये आपसे हम मुरली क्या कहती है, हम घर में सत्संग चल रहा है, ईश्वरीय सत्संग है, वहाँ घर में गंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन फिर उसको बोलते बल्ले का तो बिठा, बात बार बार आप लोग पूछ रहे गीता पाठशाला खुलना चाहिए नहीं, गीता पाठशाला में तो बोलते हैं कि वो तो गेंद में नहीं चलते तो वो दूसरा काम होते, लेकिन वो बेसिक में चलते हैं, उसका फोटो गीता पाठशाला का पहले ही रख दिया है, लड़का का भी फोटो,
लेकिन आप ही वो बोल रहे हैं कि वो गेंद में नहीं चलते, तो वो तो गलती का कर सकते हैं। ये गीता पाठशाला हम लोग तो कोई नहीं गया, लड़का ने गलती किया, ऐसे ऐसे बात उठ गई ना बाबा। अब जिसने गलती किया उसका विधान क्या दिया है मुरली ने? हम लोग ये जांच करने के लिए आपके सामने रखा है, क्लियर नहीं हुआ अभी तक। हम सब सामने क्लियर हो गए, बस खत्म। आपको ही क्लियर होना चाहिए, और तो किसी ने बात ही नहीं उठाई सब। एक की तरफ से बाबा है? एक माता ने पूछा सबके तरफ से, हमने नहीं पूछा। उस गीता पाठशाला बहुत सारे ऐसे घट गई है। बाबा कहते जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाए, तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? कोई मना नहीं है, जाने दो जिसको जहाँ जाना है। बाबा की मुरली सुना दो उनको भी, बाबा की मुरली सुना दो उनको, फिर खेल देखो। बाबा गोरिया में और कोई गीता पाठशाला नहीं है, हम कहाँ क्लास करें? जो भी विधवा माता हो, बुजुर्ग माता हो, घर में तब तक क्लास चलाओ जब तक कोई युगल ना निकले। एक युगल है किसके, लेकिन वो गोपाल भाई का क्या, घर में किराया नहीं रहते हैं, वो आप सब दूसरा घर लेके क्या क्लास करा सकते हैं? क्या करा सकते करने से क्या नहीं हो जाता है? जो विधवा माता है उसका घर में माता संगठन रख सकते, उस तब तक से जब तक कोई लक्ष्मी नारायण जैसा युगल न निकले। हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनाना है, तो पढ़ाने वाले भी युगल ही चाहिए। और तो गोरिया में ज्यादा युगल नहीं करते, ये दो युगल है आता ही ज्यादा। अब इस सभा में अकेले गढ़िया वाले नहीं बैठे हुए हैं। मोदी ने कहा है अभी दिव्य बुद्धि नहीं दिया है, दिव्य दृष्टि पहले में दिया था लेकिन दिव्य बुद्धि तुमको नहीं दिया था, दिया है तो दिव्य बुद्धि मना क्या? और अभी तो बोला था बुद्धि नहीं दी है, अभी दिव्य बुद्धि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। बाबा तो कहते मैं साक्षात्कार की चाबी किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन दिव्य बुद्धि का ताला खोलने की चाबी दिया है बच्चों को। बाप ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ ज्ञान ही दिया है, साक्षात्कार की चाबी नहीं है। दिव्य बुद्धि अगर नहीं होगी तो मनन चिंतन मंथन विचार सागर मंथन कैसे चलेगा? चलेगा क्या? और दुनिया की बातें बुद्धि में चलती रहेंगी। क्या सभा में अगर झूठी बात बोली तो कोई की बुद्धि में बैठ जाएगा झूठ, तो उसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? वो झूठा बोलेगा उसके ऊपर पाप चढ़ जाएगा। मान लो किसी ने बोला बाबा ने ऐसे कहा मुरली में, अब वो बोला तो झूठा है, लेकिन कोई की बुद्धि में पक्का बैठ गया और उसने फॉलो करना शुरू कर दिया क्या मुरली में बोला, पाप चढ़ेगा ना किसी के ऊपर? किताब किताब तो एक एक बात करते। बाबा आज तो मुनि ने कहा है कि एडवांस में दोबारा सरेंडर करना पड़ेगा, तो एडवांस में कैसे होगा दोबारा सरेंडर? निश्चय अनिश्चय तो सुना है लेकिन कैसे दोबारा निश्चय अनिश्चय पूरा है ना, ऐसे बोला है सुना है, कैसे होंगे निश्चय और अनिश्चय दोनों पूरा है? जब अनिश्चय भी पूरा है तो दोबारा सरेंडर करना ही पड़ेगा। कैसे होंगे दोबारा सरेंडर कैसे होंगे? अब तो निश्चय है लेकिन अनिश्चय कैसे होंगे? निश्चय सदाकाल रहता है, सदाकाल निश्चय रहता है इसके ऊपर कि विपरीत संकल्प आते हैं। पक्का पक्का मन मना बहु हुए जो बाप का संकल्प तो बच्चों का संकल्प ऐसा सदाकाल रहता है क्या? रहता है नहीं रहता है? नहीं रहता है।
जब नहीं रहता है तो अनिश्चय बुद्धि कहे या निश्चय बुद्धि कहे? अनिश्चय बुद्धि हो गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए तो सरेंडर हुए? नहीं सर, अंदर हुए? नहीं हुए ना। जब सरेंडर ही नहीं हुए तो दोबारा सरेंडर समारोह, समर्पण समारोह करना पड़े ना। जो सरेंडर किए सब मनमाना है, जो सरेंडर किए सब मनमाना स्थिति में है बाबा। वो कागज के ऊपर सरेंडर होना अलग बात और प्रैक्टिकल में सरेंडर होना अलग बात, वो भी परीक्षा होनी है। फाइनल पेपर हो गए क्या? फाइनल पेपर हो जाए तब पता चलेगा कि पूरा सरेंडर कौन कौन है। छोटी मामी आ गया तब तो दोबारा सरेंडर देना पड़ेगा ना। हैं? छोटी मामी जब आएगा तब तो देना पड़ेगा ना। क्या सरेंडर? सरेंडर पत्र छोटी मम्मी को देना है? नहीं, छोटी मम्मी आने के बाद चेंज होगा ना, इंसेप्शन होगा ना। हाँ जी, नई दुनिया बनेगी तो छोटी दुनिया होगी या बड़ी दुनिया होगी? छोटी दुनिया होगी। 75 में जो नई दुनिया बनी पुरानी दुनिया का विनाश हुआ। बाबा ने घोषणा की थी ना कॉन्सेप्शन के लिए, 75 के लिए घोषणा की थी तो नई दुनिया बनी पुरानी दुनिया का ध्वंस हुआ। तो एक तरफ की दुनिया टूट गई, उस दुनिया से बुद्धियोग टूट गया, उस दुनिया से मर गए और नई दुनिया में पैदा हो गए। नई दुनिया में पैदा हुए तो बाप भी अलग हो गया, माँ भी अलग हो गई और स्थान भी अलग हो गया। ऐसे अब फिर तीसरी मूर्ति के द्वारा नई दुनिया की प्रैक्टिकल स्थापना होगी। सरेंडर लेटर फिर दोबारा नहीं लिखे जाएंगे क्या? समर्पण समारोह नहीं होगा क्या? या सारे इकट्ठे घुस जाएंगे नई दुनिया है? इकट्ठे चले जाएंगे नंबर बार जाएंगे बाबा। अब भक्त वाणी में कहा है बाप दादा चाहे तो अभी जा सकते हैं जी, लेकिन तुम बच्चों के लिए रुके हुए हैं है? तो यहाँ पर दादा मना तो ब्रह्म है, मना ब्रह्मा, तो ब्रह्मा बाबा वो अभी की संपूर्ण हो गया, जब तो विष्णु ना बने तो संपूर्ण नहीं जा सकते। तो बाप दादा चाहे तो जाता तो संपूर्ण तो नहीं हुआ बाबा। बाप की ज्यादा चिंता है और दादा की ज्यादा चिंता है? ऐसा तो नहीं है वो पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते हैं बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, तो विदेशी है या विदेशी बनकर आया हुआ है? विदेशी बन के आया है, विदेशी बनकर आया हुआ है। ऐसे जो असली पाठ था वो तो ब्रह्मा ने पहले ही बजा लिया, अर्थ तक उसको जो पाना था वो पा लिया। अब पाने कौन के लिए कोई ऐसा ज्यादा पुरुषार्थ करने से कुछ ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी, संगम युग में जन्म मिल जाएगा, थोड़ा कला से ऊपर की स्टेज बन जाएगी, ऐसा कौन के लिए कुछ है ही नहीं। मामा जैसे नाराज निवेश होता है, है? तो इन्हें इसका संग होता है तो बोलते हैं कि चारों तरफ इन्हें इसके संगठन हुआ तो चारों तरफ से आठ रकम पता भी आ गया और फिर नंबर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो आप ही को बता दिया है। जो बाकी है वो भी जल्दी जल्दी प्रोटेक्ट होने वाले हैं। आप उसमें निकला है
है ईस्टर्न जोन में जो है ना ईस्टर्न जोन में हो सकता है बाबा ने बोला है एक मुर्गी में बहुत अपनी अलग अलग कमेटियां बनाते रहते हैं कमेटियां रखते रहते हैं इन कमेटी आज बनाने में कुछ रखा नहीं है टाइम वेस्ट हो जाएगा बंगाल वाले अलग से कोई मान लो दूसरी कमेटी बना रहे हो कर्नाटक वाले अपनी अलग कोई कमेटी बना ले बम्बई वाले कोई अलग अपनी कमेटी बना ले उससे क्या होगा नीचे गिरना होगा या ऊपर उठना होगा धर्मगुरु बन जाएगा ऐसा क्या होगा धर्मगुरु बन जाएगा एक राज्य एक धर्म एक भाषा एक मत स्थापन होना है तो दूसरी कमेटी बनाने की जरूरत है अगर कोई बनाते हैं तो जो बाप चाहता है वो करते हैं या बाप के विपरीत करते विपरीत बुद्धि अच्छा बाबा जो इनेस में जाते हैं तो उसका नहीं कि नष्ट मुआवना पड़ेगा ये बात ये है कि सब प्रश्न खत्म नहीं हुआ कि जो खत्म हुआ हो तो जो सीने रहते हो कोई भाई हो कोई बहन हो कोई माँ माता एनएस बाप का तो पार चलो पहले ही डिक्लेयर है बाकी जो सात हैं उनमें एक का पार डिक्लेयर हुआ दूसरे नंबर का तो जो दूसरा नंबर है वो नष्टो मोहा में बाप के बाद आगे होगा या औरों के मुकाबले पीछे होगा बाप के बाद औरों के मुकाबले तो आगे ही होगा ना जब से एडवांस पार्टी में आना हुआ होगा और जब से सरेंडर हुआ होगा तब से ही क्या होगा पहला पेपर कौन सा है नक्शो मोहा स्मृति लिखता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है एक शिव बाबा दूसरा बाबा ये हर गृहस्थ जो रहते हैं कोई भाई कोई बहन कोई माता तो उसके लिए कि ये पेपर कैसे रहने के लिए कहाँ मना किया नहीं किया कैसे होगा रहने के लिए मना नहीं किया लेकिन मुरली में बोला लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है जो करना है तो करना है ईश्वरीय मत पर करना है नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं तो अपने आप ही जवाब बाप ने तो बोल दिया घर गृहस्थ में रहते संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है अगर उनसे पूछते हैं इसका मतलब बाप का जैसे गाड़ किया पूछना चाहिए बाप से बाप से भी पूछा फिर लौकिक संबंधियों से भी पूछा जानते हैं कि दो मतें हो जाएंगी पहली गलती थी यही हो गई फिर दूसरी गलती है अगर पूछा बाप से लौकिक संबंधियों से भी और फिर फैसला किया जैसा लौकिक संबंधी कहते हैं वैसे ही चलना ठीक है नहीं तो हमारी तावड़ तोड़ हो जाएगी और लौकिक संबंधियों की मत पर चल पड़े तो बाप का जिस रिगार्ड हुआ या रिगार्ड हुआ जिस रिगार्ड हो गया पॉइंट है कि ये
उसी में क्यों, जितने जोन है, जितने स्टेट है भारतवर्ष में, उतने बनने चाहिए बम्बई का है ना, अलग बनाओ। वो तो सतीश भाई ने वहाँ बनाना शुरू कर दिया बाबा, ये कि गुजरात का है ना, अलग और अलग बनाओ। वो दशरथ भाई ने बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही कर्नाटक का है ना, अलग बनाओ। अलग बनाने तो फायदा बहुत है ना। बाबा को तो डायरेक्शन नहीं है ना, है तो बाबा को डायरेक्शन नहीं है ना। जो चीज नहीं है उस चीज को उठाना ही क्यों? ये सीता पाटला चीज कुछ नहीं होता है। एक भाई ने बोला है कि बाबा ने डायरेक्शन दिया 500 करोड़ मतलब के 500 करोड़ तरह के प्रश्न उठाएंगे। डायरेक्शन के प्रश्न कुछ सुनना है क्या? नहीं, इसलिए तो पूछने उठाया। वो बात यहाँ सभा में सबके सामने रख करके सबका माता क्यों खराब कर? दुनिया अपने अपने तरीके तरीके से बचेगी। एक काम से सुनो, काम से निकाल दो। अगर नहीं ऐसा करते हैं, ध्यान दे के हाँ संगठन नया बनना चाहिए। हम भी इस बात से सहमत है। नहीं, जितनी गार्ड तो हो गया, लेकिन स्वीकार कर लिया कुछ थोड़ा। हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम भी सहयोग करेंगे। हाँ, हम इस बात को भरी सभा में रखेंगे। कुछ न कुछ हमारे सहयोगी निकलेंगे, हम उनका नया संगठन बनाएंगे। मनुष्य आत्माओं का तीन बाप होते हैं। हैं? मनुष्य आत्माओं का तीन बाप। आत्माओं का? आत्माओं का तीन, आत्माओं का तीन बाप। आत्मा का एक ही बाप। मनुष्य आत्मा का, मनुष्यों का। हाँ, तीन बाप। हाँ, ठीक है। लौकिक में तो लौकिक में का एक जन्म का सुख मिलता होगा। हैं? लौकिक में एक जन्म का सुख, लौकिक बाप से एक जन्म का सुख मिलता है। जो 12 जन्म का इक्कीस जन्म का मुझे तीसरे जन्म जो काम की जो वार्ता देते हैं, लौकिक देते हैं कि पारलौकिक देते हैं? ना पारलौकिक बाप 63 जन्मों का वार्ता देते हैं और ना अलौकिक बाप 63 जन्म का वार्ता देते हैं। जो मनुष्य से सीखा बाप है, वो पुरुषार्थ में बहुत सीखा होने के कारण कोई भी धर्म में जाके जन्म लेकर एक ही जन्म में नीचे से नीचे स्टेज में जन्म लेकर ऊंचे से ऊंची स्टेज का मंत्र दे देता है। वो है जिस्मानी बाप मनुष्यों का, और वो है मनुष्य आत्माओं का रूहानी बाप। रूहानी बाप 21 जन्मों का वर्षा देता है, और बेहद का जिस्मानी बाप 63 जन्मों का वर्षा देता है। बाबा, ये बाबा ने बोला है फलों में बेल है। हैं? फलों में, फलों में। हाँ, फलों में बेल है। हैं? श्री फल है। श्री माना लक्ष्मी। हाँ, हाँ। और जो फलों में आप है, वो क्या आप होता है? आप उसका फल नहीं होता है, आप उसका फूल होता है। गन्ने का वही गन्ना, गन्ना कोई फल नहीं है, कतारी गन्ना। लेकिन उसको पूजा पूजा करने के लिए जब फूल है, पूजा होता है। हाँ, में लगाते हैं लक्ष्मी पूजा में। हाँ, मिठास साथ है, जैसे लक्ष्मी मीठी है, किसी के लिए कड़वी नहीं है, कड़वा वचन नहीं बोलती है, मीठा मीठा ज्ञान सुनाती है। ऐसे ही हमको भी मीठा बनना है। अब आपने कहानी है हैं, डॉक्टर आ जाएंगे, डॉक्टर जब रखा गया है उसको निमंत्रण नहीं दिया। हाँ, पति ने डॉक्टर जब उन्हें फोन किया और छोटी को अपमान हुआ किया, डॉक्टर जब अपमान किया तो छोटी ने जो अपना देव टैंक दे दिया, फिर दोबारा जन्म लिया। छात्र का जो बाप है तो ज्ञान के साथ टैली होगा। टैली होगा क्या? हो रहा है, हो रहा है। यज्ञ के आज में सती और दूसरा जन्म लेकर के बनती है पार्वती। आज में जब सती तो दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ किया,
जो असली लक्ष्य था वो तो चला गया। टाइटलधारी कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्म। उसमें शंकर जी को आह्वान नहीं किया गया। जो भी यज्ञ होते थे उनमें कोई भी यज्ञ में, कोई भी यज्ञ सेवा में शंकर का तिरस्कार किया गया। तो पार्वती को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना देहवान त्याग दिया, देह त्याग दी माने हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी यज्ञ में। जैसे ब्रह्मांड के लिए गायन है, दधी की ऋषि का गायन है, ऐसे ही कोई यज्ञ में कन्या भी ऐसी निकलती है जो बेसिक नॉलेज में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देती। तो देवान स्वाहा माना जाता है उसके लिए। तो गायन है उसका एकन्न भी बन गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसको कैसे होगा? और देवी तो एक ही है, कोई अनेक देवी है क्या? एक ही देवी अनेकों में प्रवेश करके पाठ बजाती है। है याद में बच्चे या तो आज में पानी देते हैं। पता नहीं आप कैसी याद में बैठते हैं। जैसे माँ बच्चे की याद में बैठती है, माँ बच्चे की याद में होती है, होती है कि नहीं? तो आंखों से पानी निकलता है क्या? है नहीं निकलता? तो आपका क्यों बाबा बच्चा है तो आंखों में आंसू क्यों आना चाहिए? वो याद में डिफेक्ट होगा, बाद में बताएंगे तब पता चलेगा। हाँ हाँ जी, एकांत में याद करना हाँ और संगठन में याद करना में फर्क क्या होगा? संगठन में अनेक प्रकार के वाइब्रेशन होंगे क्या? संगठन में बैठ करके भी कोई अगर पावरफुल आत्मा है तो एक के अंत में रह सकता है, अगर याद की प्रैक्टिस पक्की है तो। संगठन जब बोला है संगठन याद करने से सबसे ज्यादा बात हुई। संगठन में जो दुनिया में जैसे मान लो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में भी संगठन होता है लेकिन वहाँ वाइब्रेशन बहुत गंदे लोगों के होते हैं। उनके मुकाबले या बाजार में जो भी लोग होते हैं उनके वाइब्रेशन गंदे होंगे। और यहाँ ब्राह्मणों का समाज बैठा हुआ है फिर भी दुनिया के मुकाबले, या मुसलमानों के काबा में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं उनके वाइब्रेशन के मुकाबले आपके सत्संकल्पों का संगठन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। इसलिए ब्राह्मण अगर संगठन में बैठ करके याद करें, मुरली सुने तो ज्यादा अच्छा असर पड़ता है, ज्यादा पुरुषार्थ बनता है, ज्यादा ऊंचा पद बनता है क्योंकि वाइब्रेशन सुधारा संगठन में रहकर। बाबा ये एक प्रश्न है, शूद्रों की बुद्धि विनाश करे विपरीत बुद्धि, यहाँ शूद्र किसको बोला है और किसके प्रति विपरीत बुद्धि बोला है? जब किसकी विपरीत बुद्धि? बाप के बाप को विपरीत बुद्धि। और सब शूद्र बाप को पहचानता है? शूद्र जब बाप को पहचानता ही नहीं तो विपरीत बुद्धि कहा जाएगा या प्रीति बुद्धि कहा जाएगा? तो है ही विपरीत। आपको पहचाना ये ब्राह्मण परिवार में भी ये जो बताते ब्राह्मण परिवार में बेकार में जाने वाले नहीं होते, जिन्होंने पक्का फैसला कर लिया हो ये बेकारी दुनिया खलास होने वाली नहीं है, कोई देवी देवता बनने वाले नहीं है, तो भिकारी बनते रहेंगे या भिकार छोड़ेंगे? बनते रहेंगे। बेसिक नॉलेज वालों की बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि ब्राह्मणों के जीते जी कोई नई दुनिया बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो जब बनेगी ही नहीं तो भिकारों को छोड़ेंगे क्या?
पवित्र बनेंगे क्या? लक्ष्य ही नहीं है कि हमको नरक से नारायण इसी जन्म में बनना है? गीता माता को जो आदि में गीता माता थी छोटी मैम छोटी मैम ने किया वार्तालाप में क्लियर नहीं हुआ तभी तो नई बात निकलेगी। अगर पहले से क्लियर कर देंगे तो आगे चल के क्या सुना देंगे? सुना तो दिया शिव की गीता से। एक सेकंड में स्वर्ग बनता है और कृष्ण की गीता से गीता में कृष्ण की छाप है दिल पर। इस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप है, राम की छाप नहीं है। उससे नरक बनता है। बल दीदी दादियों की तरह दुनिया के एक बड़े हुजूम के हुजूम पर कंट्रोल कर लेंगे लेकिन वो सारा नरक कहा जाएगा, स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। काम काज में अगर झुलझुल है तो उसे दूर कर जाते काम धंधा में है। नौकरी काम धंधे में अगर आपसे जाकर जाए तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। कंपनी से बोल दिया झूठ बोलने से आपके गलत हो गया। नौकरी काम धंधा में जाने से थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा है। थोड़ा बहुत काम करता है लेकिन लौकिक धंधा जो किया उससे जो प्राप्ति हुई उसको ईश्वरीय सेवा में लगाया तो प्राप्ति ज्यादा हो गई, समय सफल हो गया। इसलिए अगर लगाया तो दूध की दुनिया में कोई भी धंधा करेंगे ईश्वरीय धंधे के अलावा उसमें झूठ के बगैर आपको सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि सब धंधों में है नुकसान। व्यवहार में भी देखा अगर दस बार बोल देगा तो उसको दूसरे से फायदा ले ले। 5000 बरस का एक ड्रॉप जामा 100 बरस में 100 बरस में पूरा खत्म हो जाता है। तो इस मूवी ने सुना 73 से 76 ऑस्ट्रेलिया का उत्थान हुआ। एक बरस मैंने 100 बरस मैंने 300 बरस में 300 बरस पहले ऑस्ट्रेलिया का उत्थान हुआ। तो 1200 बरस ऑस्ट्रेलिया कहा गया जगदम्बा को। तो इस समय भी हम दुर्गत किया तो एक बरस मना 100 बरस तो उस समय भी होता है 100 तो 100 वहाँ 10,000 ईयर्स हुए तो 100 होता 5000 बरस कैसे काउंट होता है? ये राम की सेना है, राम की सेना की बुद्धि बहुत अच्छी चलती है। ये इस तरह हिसाब नहीं निकाला जा सकता। कभी बुद्धि की गति बहुत क्षिप्र होती है याद में और उस समय जो शूटिंग होती है बड़ी तीव्र गति से होती है। लौकिक दुनिया में भी ऐसे होता है। जो संकल्प हम तीव्र गति से चलाते हैं कोई काम करने के लिए वो संकल्प जल्दी इसी जन्म में भी सिद्ध हो सकता है, नहीं तो अगले 1-2 जन्म में सिद्ध हो सकता है, नहीं तो कई जन्मों के बाद सिद्ध होगा। जो संकल्प धीमी गति से चलते हैं उनका प्रभाव बहुत लंबे समय के बाद प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी ऐसे होता है। कभी बुद्धि तीव्र गति से काम करती है और कभी बुद्धि दृढ़ होकर के कार्य करती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे नहीं हम एक नियम बना दें कि संगम युग का 1 साल बराबर इतने साल,
और हमेशा के लिए नियम पक्का कर दे, उससे नहीं होगा। और बाबा ये माता नया है, हाँ उसका सारा प्रॉब्लम हो रहा है, बोलता है जो घर में मछली था बनाना पड़े तो क्या करें, मछली बनाना पड़े तो मुंह पर पट्टा बांधो और लौकिक परिवार वालों के लिए मछली बना दो, क्या मुझे बताती। ज्ञान में आने से पहले खाते हैं कि नहीं, अब तुम्हें उसकी वासना भी नहीं लेनी है तो मुंह पर पट्टा बांधो बना के दे दो। सारी बिजनेस करने के लिए मुरली में छूट दे दिए, सिर्फ शराब का धंधा करने के लिए छूट नहीं दिए। मछली का धंधा होता हो या घड़ियाल का धंधा होता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे है नॉर्मल बेसिस है, नॉर्मल बेसिस से कोई आपका थोड़ी छोटे हैं तो उनका तो गर्भ तीन लोग पहले से ही तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ट अटैक होते थोड़ी छोटे हैं जिसको स्ट्रोक बोलते हैं तो उसका गर्भ तीन लोग तो बाद में तैयार होगा। हार्ट अटैक होना होता है बोले के वाइब्रेशन पहले से नहीं होते, विदाउट वाइब्रेशन वो आत्मा होती है क्या। जिनका हार्ट अटैक होना होता है तो उनकी हार्ट अटैक की कमजोरी के वाइब्रेशन आत्मा में पहले से नहीं करते चलते तो उसका भी गर्भपिंड तैयार हो जाते हैं, पहले से ही गर्भपिंड तैयार होते हैं। हार्ट अटैक से जो शरीर छोड़ेंगे वो अकाले मौत होगी, इसलिए अकाले मौत वालों को सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, स्थूल शरीर नहीं बनता है उनका तुरंत। कंपिल से टिकट होंगे मुरली में बोला है, है? यह क्लैरिफिकेशन बोला है मैंने सुना। हाँ तो मेरा प्रश्न है कि ये सारी जब ये जो को कोई करते से शुरू हुआ है हाँ तो सारी पिछले के बीच कोई करते से शुरू हो सकते तो कंप्लीट से क्यों होते हैं। कलकत्ता से शुरुआत हुई है या पुरुषार्थ की जन्म सीमा हुई है, शुरुआत हुई है पुरुषार्थ की जन्म सीमा कहाँ होती है। एडवांस पार्टी के लिए कहेंगे अलग, लेकिन जो आर्टिस्ट आराम टेस्ट होता है जहाँ से आगे तो क्यों हुआ, हाँ तो आवाज फैलना शुरू हो जाएगी कलकत्ते में। आज में भी जो आवाज निकली वो कहाँ से निकली, पहली आवाज कहाँ से निकली, कलकत्ते से। अरे आवाज से प्रत्यक्षता होती है ना, साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन कहाँ से शुरू हुआ आवाज में, कलकत्ता से। तो ज्ञान का बीज कलकत्ता में पड़ा ना, इसलिए बोला दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी और कलकत्ता आवाज फैलाने में विशेष सहयोगी बनेगा। कौन सा आवाज, बाप की प्रत्यक्षता का आवाज। और बाबा मुझे नया ग्रोह निकला है तो उसके बारे में थोड़ा बाबा कुछ कहते हैं। नया ग्रोह निकला है, अभी तक नौ ग्रह माने जाते थे, कितने माने जाते थे, नौ ग्रह, अभी दसवां ग्रह निकल पड़ा। ये ग्रह तो पृथ्वी के समान हो गया है, कोई भी ग्रह पृथ्वी के समान नहीं हो सकता,
क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीव जंतु है, जीवन है। दूसरा कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसमें जीवन हो। अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी की तरह है तो वैज्ञानिकों का आविष्कार अधूरा है। जैसे वैज्ञानिकों ने ये बात निकाली थी डार्विन थ्योरी, मनुष्य पहले बंदर था, धीरे धीरे उसकी पूंछ खत्म हो गई और मनुष्य बन गया। बाद में वो डार्विन थ्योरी आगे के आविष्कारों ने झूठी साबित कर दी। ऐसे ही डायनासोर के बारे में, कोई डायनासोर थे लाखों वर्ष पुराने, मनुष्य की बुद्धि अधूरी होती है, मनुष्य पूरी सच्ची बात नहीं बता सकता। अगर आविष्कारक वैज्ञानिक ही सच्ची बात बताए दे रहे 100% तो वो ही सकता हूँ गाड़ी से तो हो जाए, लेकिन गॉड इज ट्रुथ और गॉड इज वन। वैज्ञानिक तो अनेक हैं और गॉड एक है। आगे की जो रिसर्च होने वाली है उसमें ये बातें झूठी साबित हो जाएंगी। लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मी की तो किसी ने देखा है, लक्ष्मी के तो किसी ने देखा नहीं है। लक्ष्मी को किसी ने देखा नहीं है, माने यहाँ पर बहुत लोग, यहाँ पर बहुत लोग। तो अगर फोटो वगैरह मिले तो कुछ दिखा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं? फोटो दिखाने से और फोटो को याद करने से आवाहन करने के लिए, आवाहन करने के लिए, आवाहन करने के लिए ही बताया। किसी के गुणों से किसी को नहीं याद किया जा सकता है, किया जा सकता है। जब गुणों से ही किसी को याद किया जा सकता है और उसकी वाचा से ही किसी को याद किया जा सकता है तो फोटो रखने के लिए तो ब्रह्मा का भी मना कर दिया। तो जब एक ब्रह्मा का मना कर दिया तो जो चार पांच ब्रह्मा है सबका फोटो करने रखने के लिए मनाई हो गई, या एक की ही बात है? जो फोटो को याद करेंगे वो भगत बनेंगे। अगर उनके किया हुआ क्लास का सीढ़ी दिखाएंगे तो कौन मना करता है? ब्रह्मा कुमारी चाहे जितनी सीढ़ियां ले लो। ठीक आ गया। और ये माता की तरफ प्रॉब्लम हो रहा है, ये नया माता आया है तो ज्ञान में कहते हैं का और बहू के साथ थोड़ा कर्ज हो रहा है तो आनंद हो जाएगी। पर्सनल बातें इतनी बड़ी सभा में उठाएंगे, एक का तो कल्याण होगा और बाकी समय सबका सबका समय व्यस्त हो जाएगा। वैष्णव देवी का जो अभी स्कीम निकल गया वहाँ का भी चलाया, क्लास में तो दिखा सकते हैं, इस क्लास में तो अभी दिखा सकता है ना, उस क्लास के भी आगे आ जाए तो ठीक है। तुम्हारी दिल है तो भले करो, लेकिन मुरली में बोला एक से सुनेंगे, एक से सुनेंगे तो आप व्यभिचारी ज्ञान होगा, औरों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। अभी वैष्णवी देवी संपन्न स्टेज में तो नहीं है, संपन्न स्टेज तो है नहीं, और असंपन्न स्टेज की वाचा सुनेंगे तो ऊंची स्टेज में जाएंगे, नीचे जाएंगे। बात यह है मुरली में बोला हुआ है एक बाप को याद करना, ना ब्रह्मा को याद करना है और ना ब्रह्मा कुमार कुमारियों को याद करना है।
अगर ब्रह्मा को भी याद किया, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी याद किया तो अवस्था नीचे जाएगी। लेकिन बाबा ने तो कब कुछ बोला, दिल की 63 जन्मों के हिसाब से खिचावट होगी ओ तो सुनेंगे एक सुना। लेकिन बाबा बहुत तो की इच्छा है एक बार थोड़ा मनसा सेवा रुद्रमाला के मन के जागृति करेंगे या कर्मण सेवा रुद्रमाला के मन के जागृति करेंगे। प्रैक्टिकल कौन करेगा और मन से कौन करेगा? यही हो रहा है मन से सेवा रुद्रमाला। अभी तो तामसी स्टेज है, कांत की स्टेज बनेगी तो मन का सेवा काम करेगी या नहीं करेगी? करेगी। हाँ हाँ बाबा, कुछ कुछ मेरी मुझसे क्लियर नहीं होता है। ये बोला हमने जमीन में गा दिया, वो इस्लाम मुसलमान जब किया ना मुरली, जमीन में गा दिया, भार में भून दे, भून एक भूषण नहीं कर पाते तो भार में भून दिया, इसका मीनिंग क्या हो? भार में भून दिया, चना भूना जाता है ना, चना भूजा जाता है, बड़ा बनाते हैं उसको कहते हैं भाड़, कढ़ाई के नीचे आग जलाते हैं, वो कढ़ाई तो आजकल के जमाने में बनने लगी, पहले बड़ा एक छोटा कमरा बनाते थे मिट्टी का और उसके दो पार्टीशन कर देते थे, एक छोटा पार्टीशन, उस छोटे पार्टीशन में दीवार नीचे रहती थी और छोटे पार्टीशन में खूब आग जलाते थे, वो आग बीच की दीवार में से ऊपर के होते हुए दूसरे पार्टीशन में आती थी और उसमें पड़ा हुआ सारा रेता अच्छी तरह से गर्म हो जाता, बाली बाली रेता उस बालू, वो बालू निकालते जाते और चबे ना भूनते जाते, बांजा भूनते जाते, उसको कहते हैं भाड़। दूसरा बात तो वो आरो में जो खजर करके भगा दिया, खजर खदेड़ के भगा दिया, मना उनका इतना पीछा किया कि उन्होंने पीछे मुक कर के नहीं देखा, भागते ही चले गए, भागते ही चले गए, अरब देश तक भागते चले गए, कहते खदेड़ना। एक होता है किसी को भगाना, थोड़ा सा पीछा किया छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा पीछा नहीं किया उनका, कहाँ तक खदेड़ के चले गए, अरब देश तक खदेड़ते चले गए। दो तीन पक्षी मूली में नहीं है, मक्का और मदीना से मीनिंग क्या बाबा ब्याज का? मक्का का मीनिंग मक्का और मद कहते हैं जो हाथी होता है ना, बहुत आंखों में मद भरा रहता है। निकलते हैं इस्लाम धर्म से, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो बड़े बड़े महारथी हैं। आज ब्राह्मणों की बड़ी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मक्का प्रश्न किया, बेहद में मक्का मदीना कहाँ है, बेहद में मुसलमान कहाँ है, ज्यादा बेसिक में कहाँ, स्थान कौन सा है? अजमेर, अजमेर हद का है, उसका बेहद का अभी नाम क्या है? कौन सा तो हज करने जाता है, हज करने नहीं क्या मक्का में हज करने जाते हैं? कोई पुरुषार्थ करता है
और पुरुषार्थ करते करते पुरुषार्थ सारा बेकार गया, व्यर्थ गया, नकामा हो गया। तो कहते हैं बड़ी हज हो गई, हज माना नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, जो किया कराया सब बेकार हो गया। जैसे आज बेसिक में पुरुषार्थ कर रहे हैं, सारा पुरुषार्थ करते करते अंत तक वही पुरुषार्थ अलग करते रहेंगे, और सारा किया कराया सब बेकार हो गया। तो उनके लिए हम कहते अरे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी, इनका सारा पुरुषार्थ बेकार हो गया। जैसे वो पुराने ऋषि मुनि सन्यासी थे बाहरी दुनिया के, छू मंत्र काली बड़े बड़े गुरु राशि थे, कहते थे हजारों वर्ष तपस्या की उन्होंने, और वो हजारों वर्ष की तपस्या उनकी सारी क्या हुई, बेकार हो गई। तो भक्ति मार्ग की पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा कौन से धर्म वालों में पढ़ाई होगी, उन्हीं लोगों में पढ़ाई होगी जो सबसे ज्यादा हज करते हैं। हज करना मैंने सब किया कराया चौपट करना। सैनिक लोग जो अभी रिसर्च कर रहे सूर्य के बारे में, सूर्य स्थान के बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं, सूरज से चुंबक झड़ आने वाला है, चुंबकीय झड़ आने वाला है, हाँ जी, पृथ्वी पर कुछ असर पड़ेगा। तो ये हम टीवी में देखा, ये हमारे ज्ञान में कुछ होता है क्यों नहीं होगा, क्या है मैंने ज्ञान का सूर्य और चुंबकीय झड़। सूर्य जो संपन्न नहीं, संपन्न ताप में आवेगा, अति के ताप में आवेगा, खूब तपेगा, तो उसमें आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, जैसे चुंबक में आकर्षण शक्ति होती है। चुंबकीय आकर्षण अभी तो संपर्क संसर्ग में आते हैं थोड़े निकलते हैं, बाद में क्या होगा, जो जो टच में आ जाएंगे सब चेंज होने लगेंगे, तूफान की तरह चेंज हो जाएंगे। हाँ जी बाबा, मुक्ति में कहा गया है पूजा अर्चना जैसे आते हैं ना, है? भक्ति भक्ति माना पूजा अर्चना आरम्भ ऐसा है, तो लेकिन बाबा जो साइंस का अभी जो साधन होता है स्थूल साधन, वो को भी भक्ति नहीं कर सकते, अभी जो स्थूल साधन होता है साइंस का, तो साइलेंस वर्क जो जो होता है वो तो बहुत सूक्ष्म होता है, सकलित होता है, लेकिन साइंस का जो स्थूल साधन होता है वो तो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति माना भागना, इधर भागना उधर भागना उधर भागना उधर भागना, इसके पीछे भागना उसके पीछे भागना, खास नहीं लेना, कहीं एक जगह बुद्धि टिकती नहीं है। अब वो चाहे वैज्ञानिकों का हो या कोई शास्त्रों की बातें हो, ठिकाना नहीं मिलता बुद्धि। ज्ञान मार्ग में एक ठिकाना मिल जाता है, मुकर्रर ठिकाना। बाबा अभी और भर मन में है, मन में आला तो मेहमान की मुसलमानों में अल्लाह को मेहमान मेहरबान मेहरबानी करना, अरे हमारे ऊपर भी मेहरबानी करो। मेहरबानी करना माने विशेष दया दृष्टि देना।
हो जाती है सेवा किस प्रकार कोई भी प्रकार की सेवा हो सेवा तो सेवा है प्यार से सेवा होनी चाहिए बनता सेवा है तो भी सेवा है कर्मेंद्रियों से सेवा है तो भी सेवा है वाचा से सेवा है तो भी सेवा है पापा जो भी सेवा करे वो लगन से करे लगाव पूर्वक प्यार पूर्वक तो सेवा में ईश्वरीय प्यार झलक रहा हो स्वार्थ का नाम निशान न हो